नमस्कार, आप सबों को हमारे चैनल पर स्वागत है। सबों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। तो आज हम लोग बैच फ्लावर की दवा हनीसकल, जिसकी चर्चा पिछले वीडियो में किया जा चुका है, उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसके पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। कुछ दवाओं से इसकी क्या भिन्नता है और क्या समानता है, इसी पर चर्चा किया जाएगा। वीडियो पूरा देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही रोचक होने वाला है वीडियो। इनको समझ कर करके टाइम पर उपयोग करें, इसलिए वीडियो पूरा देखें। तो हनीसकल वाला के क्या होता है कि यह भूतकाल की घटनाओं के बारे में सोचता रहता है। भूतकाल में इसे कोई गलती हो गई हो, उसी के बारे में सोच करके पश्चाताप करते रहेगा। कोई दुखद घटना हुई हो, उसी के बारे में सोचता रहेगा। कोई जैसे कि अच्छा ऑफर मिला हो, कोई सुजोग अच्छा आ रहा हो और इसको इसने नकार दिया हो, तो उसी के बारे में सोचता है, काश हमने उस समय उस बात को मान लिया होता। उसी के बारे में सोच करके चिंतित होते रहता है, काश पुनः वह चांस हमको मिलता। इन्हीं सारे बातों में उलझा रहता है और पश्चाताप करते रहता है। ये कहने का मतलब कि होनी सकल वाला भूतकाल में जीता है, वर्तमान से लापरवाह रहता है। एक सिम्टम्स है, बरीड इन थॉट्स, माने विचारों में खोया रहना, हर समय कुछ न कुछ सोचते रहना। इस सिम्टम्स पर 3 दवा हैं, व्हाइट चेस्टनट, क्लेमेटिस और होनीसकल। अब देखने का प्रयास करेंगे कि इनमें क्या भिन्नता है, कैसे हम समय आने पर उपयोग करेंगे एक दवा का। तो व्हाइट चेस्टनट वाला में क्या होता है कि इसके दिमाग में भी अनचाहे विचार हर समय चलते रहते हैं। अनचाहे विचार से इसको छुटकारा नहीं मिलता है। ये चाहता है कि इस विचार से हमें छुटकारा मिले, निकाल देना भी चाहता है दिमाग से, लेकिन वैसा कर नहीं पाता। बारंबार एक ही विचार इसको दिमाग में चलते रहता है। ये हुआ व्हाइट चेस्टनट। क्लेमेटिस में क्या होता है, व्हाइट चेस्टनट वाला जो अनचाहे विचारों में खोया रहता है, क्लेमेटिस वाला भविष्य काल की कल्पना में खोया रहता है। भविष्य काल में हम ऐसे हमारा उत्थान हो जाएगा, ऐसे विकास हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो वैसा करेंगे, इसी में खोया रहता है। भविष्य काल की सुखद कल्पना में खोया रहता है क्लेमेटिस वाला। डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न देखता है। और होनी सकल वाला जो है वो भूतकाल की घटना में जीता है। होनी सकल वाला को लगता है कि जो चांस हमने मिस कर दिया, काश वह चांस हमको फिर मिलता। इस तरह के उसके विचार होते हैं। वो होनी सकल वाला है, वो पुरानी बीमारियों के बारे में बात करता है। लगता है कि आज का जो ये सब बीमारी है, वो सब पुराने बीमारी के कारण से हो रहा है। बारंबार उसको यही सब विचार दिमाग में आते रहता है। यही डिफरेंस है बाकी दवाओं से इसको, कि वो एक ही चीज ध्यान रखना है कि होनी सकल में होता है कि भूतकाल की जो घटना है उसी को याद कर करके पश्चाताप करते रहता है। कोई चांस मिस कर दिया हो, किसी का बात नहीं सुना हो, बाप का बात या और इष्ट मित्र का बात, और इसको बाद में कुछ नुकसान हुआ हो, तो उसी को याद कर, काश हमने उनकी बात को माना होता तो आज हमको ये दिन देखना नहीं पड़ता। काश हमने जैसे कि अच्छे से पढ़ाई की होती तो आज हम कोई नौकरी कर रहे होते।
उन्हीं में खोया रहेगा, वर्तमान में न प्रयास करेगा कुछ करने का न कुछ, उसी में खोया रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए दवाओं पर चर्चा करने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।